नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिग्विजय सिंह है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय दत्ता सिंह है। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोस्पेक्टिंग। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप जब कभी भी प्रोस्पेक्टिंग करने निकलो तो हमेशा दिमाग में ये बात ज़रूर रखना कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर आपके दिमाग में ये बात रहेगी तो आप हमेशा यही सोचोगे कि भाई जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक एक एक बंदा छोड़ेंगे नहीं, सबको जुड़वाएंगे इस बिज़नेस में। इसलिए बात रखनी दिमाग में ज़रूरी है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग हमारे बिज़नेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे बिज़नेस के लिए। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग करेंगे रेगुलर बेसिस पे तो हमारे बिज़नेस में नए नए लोग आएंगे, और नए नए लोग आएंगे तो ऑटोमेटिकली बिज़नेस हमारा स्पीड पकड़ना स्टार्ट कर देगा, रॉकेट की तरह हवा में भागेगा प्रोस्पेक्टिंग के थ्रू, नए नए लोग आने के थ्रू। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा, प्रोस्पेक्टिंग दो तरीके की होती है। एक होती है नॉन प्रोस्पेक्टिंग, एक होती है अननोन प्रोस्पेक्टिंग। तो नॉन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में स्टार्ट करते हैं। पहले नॉन प्रोस्पेक्टिंग की जो शुरुआत होती है वो होती है लिस्ट से। एग्जांपल देना चाहूँगा, हम सभी के घर में कभी ना कभी कोई ना कोई फंक्शन होते रहते हैं, जैसे शादी हो गई, जागरण हो गया, सगाई हो गई। तो हम लोग सबसे पहले काम क्या करते हैं, फंक्शन स्टार्ट होने से पहले हम लोग करते हैं लिस्ट तैयार करते हैं पेपर पे रिश्तेदारों की, दोस्तों की। जब हम लिस्ट तैयार करते हैं, सब चीज़ तैयार करते हैं, उसके बाद उनको इनवाइट करते हैं। ऐसे ही हमें अपना फ़ोन उठाना है, फ़ोन में ए टू जेड जितने कॉन्टैक्ट्स हैं वो पेपर पे लिखना है, और पूरी लिस्ट तैयार करनी है, और वो लिस्ट तैयार करने के बाद उनको इनवाइट करना है। दोस्तों, लिस्ट बताना चाहूँगा, लिस्ट होता क्या है। लिस्ट में जो एल होता है वो होता है लोकल, आई होता है इंटरसिटी, एस होता है स्टेट, एंड टी फॉर टाइकून। ये चार चीज़ें होती हैं लिस्ट में। तो सबसे पहले लोकल, हम सब बिज़नेस में आते हैं ना, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम लोग, जैसे दिल्ली फरीदाबाद के हैं तो सबसे पहले कश्मीर में लोग को जोड़ेंगे। अब कश्मीर में जोड़ दिया, उसने मीटिंग के लिए हमें बुलाया, हम पहली बारी मीटिंग के लिए चले गए और वापस घर पे आते हैं, और उसने दोबारा फ़ोन आ गया, उसका कहते हैं सर परसों आ जाओ मीटिंग के लिए दोबारा, क्या आप लोग जाओगे? दोस्तों नहीं। अगर आप चले भी जाते तो आप तीसरी चौथी बारी नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में आ जाएगा और वो बार बार आप मीटिंग के लिए नहीं जा पाओगे। इसमें हुआ क्या, आपकी मेहनत बेकार गई, आपके पैसे खराब गए, और तीसरी चीज़ जिसको आपने ज्वाइन किया था उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो इसलिए बेस्ट है कि सबसे पहले लोकल से स्टार्ट करो, जो आपके आसपास के नेबर है उनसे बात करना स्टार्ट करो, उनको ज्वाइन करवाओ, सिस्टम से चलोगे तो बेस्ट रहेगा। उसके बाद इंटरसिटी पे जाओ, जो आपकी फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, दिल्ली है, सिटीज़ में, पूरी सिटी में बात करना स्टार्ट करो लोकल के बाद, सबको ज्वाइन कराओ। उसके बाद सिटी जब कंप्लीट हो जाए फिर जाओ स्टेट पे। स्टेट पे जाते जाते आपका लाखों का चेक हो जाएगा। जब लाखों का चेक हो जाएगा तो आप बिज़नेस टाइकून से बात कर सकते हो। दोस्तों, लोग अक्सर ये गलती करते हैं, चेक होता है उनका 400-500 रुपए का और पहुंच जाते हैं 4 लाख कमाने वाले बिज़नेस टाइकून के पास, 5 लाख कमाने वाले बिज़नेस टाइकून के पास। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। पहले आप सिस्टम से चलो, लोकल, इंटरसिटी, स्टेट, लाखों का चेक हो जाए फिर बिज़नेस टाइकून के पास जाओ। इसलिए सिस्टम रखा गया है लोकल से टाइकून तक। इसलिए दोस्तों, लिस्ट बनाइए। लिस्ट में फिर लिस्ट का भी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है AYNLT। बताना चाहूँगा, ए से एम्बिशियस, वाई से यंग, एन फॉर नीडी, एल फॉर लेडी, टी फॉर ट्रस्टवर्दी। ये पांच चीज़ें लिस्ट में होनी ज़रूरी हैं। ये फॉर्मूला है लिस्ट बनाने का। एक एग्जांपल से बताता हूँ। हमारे पास सपोज़ 3 लोग हैं, एक है राहुल, एक है प्रिया, एक है संतोष। तो सबसे पहले हम राहुल के पास जाते हैं, राहुल से बात करते हैं, और राहुल से बात करते टाइम हमें पता चलता है कि भाई राहुल ना ज़्यादा एम्बिशियस नहीं, उसके ज़्यादा बड़े ख्वाब नहीं है, बट वो नीडी है, उसे पैसों की ज़रूरत है, उसके घर में पैसों की कमी है। तो सबसे पहले AYNLT में, इस फॉर्मूले में राहुल का हो गया नीडी, उस पर नीडी के टिक हो गया, ठीक है। उसके बाद जाते हैं यंग, वो यंग भी है, फिर उसके बाद जाते हैं लेडी, लेडी नहीं है वो, और ट्रस्टवर्दी भी नहीं है। तो राहुल के हमारे सिर्फ 2 टिक हुए हैं। फिर जाते हैं हम प्रिया, प्रिया से बात करते हैं, तो प्रिया से बात करते टाइम पता चलता है प्रिया के बड़े बड़े ख्वाब हैं, बड़े बड़े सपने हैं, और वो बहुत एम्बिशियस है। पहला टिक हो गया एम्बिशियस, फिर उसके बाद देखते हैं वो यंग भी है, फिर वो नीडी भी है, उसे पैसों की ज़रूरत भी है, फिर वो लेडी भी है, और पाँचवा ट्रस्टवर्दी है। यहाँ पर 5 टिक और हैं AYNLT प्रिया के साथ। और फिर जाते हैं संतोष के पास, संतोष के पास जाते हैं तो संतोष पता चलता है कि वो अरबपति है संतोष, उसके घर में वैसी लग्जरी कार्स हैं बहुत, और बंगलोस हैं काफ़ी सारे, तो वो एम्बिशियस नहीं है, यंग नहीं है, नीडी नहीं है, और चौथी चीज़ लेडी है, और पांचवी चीज़ ट्रस्टवर्दी है। संतोष के साथ लेडी और ट्रस्टवर्दी 2 टिक हो रहे हैं। तो दोस्तों,
हमारे पास जहाँ सबसे ज़्यादा टिक जाएंगे सबसे पहले उससे बात करनी है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा टिक किस पे गए थे? प्रिया पे। तो सबसे पहले प्रिया को फ़ोन मिलाएंगे और प्रिया से बोलेंगे, प्रिया मैंने ना ऐसे ऐसे बिज़नेस चेक किया, बिज़नेस स्टार्ट किया है और मैं ना प्रोडक्ट्स का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है, तेरे से मिलने आ रही हूँ। तो प्रिया क्या कहेगी? प्रिया कहेगी कि ये तो काम मैंने कर करके छोड़ दिए और मेरे चाचा के मामा के बेटे के भाई ने किया था, ये उसका कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों वो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देगी, आपको ब्लॉक कर देगी, ब्लैक लिस्ट में डाल देगी। इसलिए ये गलत है, ये रॉन्ग है। सबसे पहले प्रिया से हमें बात कैसे करनी है? प्रिया बहन, मैं ना ऐसे ऐसे काफ़ी टाइम हो गया हम दोनों मिले नहीं हैं, चल चाय मिल पीते हैं, कहीं ना कहीं बैठ के बातें गप्पे शप्पे मारेंगे, ऐसे उससे बात करनी है। और वहाँ आपको अपनी डेमो किट और बिज़नेस प्लान दिखाना है। डेमो किट लेके जाओगे, अपना हथियार लेके जाओगे, डेमो किट लेके जाओगे, जब उसके सामने डेमो दिखाओगे, बिज़नेस प्लान दिखाओगे, तो प्रिया अपने आप ही उसका माइंड वॉश हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है, क्या प्रोडक्ट है, क्या बिज़नेस है। वो अपने आप आपको आधार कार्ड दे देगी और वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगी और बिज़नेस स्टार्ट कर देगी। इसलिए दोस्तों सब चीज़ सिस्टम से होगी तो बेस्ट रहेगा। ये थी नोन प्रोस्पेक्टिंग। अब आते हैं अननोन प्रोस्पेक्टिंग पे। अननोन प्रोस्पेक्टिंग के लिए हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त लीडर है, वो अननोन प्रोस्पेक्टिंग की मास्टर हैं, उन्होंने बहुत से लोग जोड़े हैं अननोन प्रोस्पेक्टिंग के थ्रू। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, उनका स्वागत करते हैं अक्षय दत्ता सिंह जी का। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी दिग्विजय जी ने आपको बताया कि हम कैसे नोन लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि अननोन प्रोस्पेक्टिंग कैसे होती है। लेकिन अननोन प्रोस्पेक्टिंग, कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और पूरा बिज़नेस अपना बेस कर लेते हैं अननोन प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर, कि अननोन को जोड़ेंगे तो ही बिज़नेस चलाएंगे। लेकिन दोस्तों ये एक गलती होती है, हमें नोन के साथ साथ अननोन प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि अननोन प्रोस्पेक्टिंग में रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है। तो हमारा डीमोटिवेशन का कारण भी बन सकता है अगर हम टोटली अपने बिज़नेस को अननोन प्रोस्पेक्टिंग पे बेस कर देंगे। लेकिन नोन के साथ जब अननोन प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से, हम शानदार तरीके से बहुत सारी नए लोगों को अपने बिजनेस में ला पाएंगे, बहुत सारी नई लीड्स जनरेट कर पाएंगे और बहुत सारा और काम कर सकते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूंगी कि अननोन प्रोस्पेक्टिंग को जब हम शुरू करते हैं तो बहुत से लोगों के दिमाग में होता है कि बस अब मेरे को कोई अननोन बंदा मिला और अभी मैं इसको बता दूं और अभी मैं इसको जोड़ के इसका आधार कार्ड ले लूं। तो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, सबसे पहले अपने माइंड को कूल रखिए, पेशेंस रखिए और सोचिए कि जिससे भी हम बात कर रहे हैं उसके साथ हमें फ्रेंडशिप वाला रिलेशन लेकर आना है, उसके साथ उनके साथ हमें बात करने में एक ऐसा मोड लेकर आना है कि वो हमारे साथ बात करने में बहुत इजी फील करे, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे, जिससे कि हम उससे ओपनली सारी बात करके धीरे धीरे हम उसको अपने बिजनेस में उतार पाए। हम लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे ही बंदा दिखा नहीं वैसे ही हम उसको छोड़ते हैं, सोचते हैं कि यार अब तो बस इसको ज्वाइन करा देना, इसका आधार कार्ड लेके अभी के अभी देंगे। तो हम ना बहुत क्विक काम करने की कोशिश करते हैं और क्विक जल्दी करने के चक्कर में हमारा सारा चीज खेल खराब हो जाता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको दोस्त बनाना है। अच्छा दोस्त बनाने के बाद फिर धीरे धीरे हम उसको बिजनेस में लेकर आ सकते हैं। लेकिन किसको लेकर आए, कौन सुनेगा, किसके साथ प्रोस्पेक्टिंग की जाए, किससे बात करें? तो दोस्तों बताना चाहूंगी कि आप किसी से भी बात कर सकते हैं, जो नहाता है, जो पेस्ट करता है, जिसके घर में साबुन यूज़ होता है, जिसके घर में डिटर्जेंट यूज़ होता है, जिसके घर में कपड़े धुलते हैं, जिसके घर में जो भी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जो जिसके घर में होती हैं, उससे आप हमारे बिज़नेस की बात कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये तो वो चीज़ें हैं जो हर कोई करता है, तो मतलब इसमें आप हर किसी से बात कर सकते हो। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं कि किसी को भी, चाहे नॉन प्रोस्पेक्टिंग करें अननोन प्रोस्पेक्टिंग करें, बताने से पहले ही सोच लेते हैं कि ये तो बुज़ुर्ग है ये नहीं करेगा, ये तो अभी बच्चा है ये नहीं करेगा, ये तो लेडी है, ये तो सिंपल हाउसवाइफ है, ये तो घर में रहती है, ये थोड़ी ना कर पाएगी। तो जब आपने ही अपने मेंटल स्टेटस में ये फीड कर लिया कि वो नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, तो दोस्तों कभी वैसे भी नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले तो प्री जज करना बंद कीजिए कि ये करेगा या ये नहीं करेगा। और मान लीजिए जिसने आपने जिसको जोड़ा वो बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पाया, लेकिन उसने आपकी 2 से 3 ऐसे लोगों से मीटिंग करा दी जिसमें से एक भी आपको लीडर मिल गया, तो आपका काम तो बन गया। तो आप ये क्यों सोचते हैं कि इसको बताना या इसको नहीं बताना? तो प्री जज कभी नहीं करना दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग करने के टाइम पे, सोचना नहीं है, सिर्फ बता देना है आप अपने अपनी चीज़ को, ठीक है? अब प्रोस्पेक्टिंग हम कर कहाँ कहाँ सकते हैं? हम प्रोस्पेक्टिंग
प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं मेट्रो में, हम प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं ट्रेन में, हम प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं बस में, हम कर सकते हैं ऑटो में, हम कर सकते हैं रिक्शा में, हम प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं जिम में, हम प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं पार्क के अंदर, हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ट्यूशन क्लासेस में, कहीं पे भी दोस्तों हम प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं। जहाँ हमें लोग दिखते हैं वहाँ पे प्रॉस्पेक्टिंग हो सकती है। हम ब्यूटी पार्लर्स पे जाकर प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं, हम शॉप्स पे जाके प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं, हम सैलॉन्स में जाके प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं। बहुत सारी जगह हैं जहाँ हम प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन प्रॉस्पेक्टिंग करते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, और वो चीज़ें क्या है, हम शादी पार्टी में भी प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आपको पार्टी, आप किसी पार्टी में गए और वहाँ पर आपको एक ऐसा अपना रिलेटिव मिला जिससे आपकी 5 साल से बात नहीं हो रही, दूर का रिलेटिव है, और सीधा जाकर आप उसको मोदी केयर समझाने और बताने लगेंगे, तो क्या होगा? वो आपको आधार कार्ड देगा और आपके साथ जुड़ जाएगा? नहीं दोस्तों, वो आपसे कटना शुरू हो जाएगा। आपको पहले वो कहेगा, यार 5 साल तो मेरी इससे बात नहीं हुई, आज ये मिला है और ये सीधा मेरे को बिजनेस बताने लगा है। तो आपको क्या करना है, पहले उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, फिर उसके साथ दोस्ती करनी है। यार बड़े दिन हो गए तेरे से मिला नहीं, यार बचपन की वो चीज़ बड़ी याद आती है, हम देख कभी हम आते थे वहाँ स्टेपू खेलते थे, या जो भी आपका कोई कज़न है, जो भी कोई बात है जिससे आप उनके साथ रिलेट कर पाओ। अब आप उनको एक कम्फर्टेबल जोन में ले आए, अब आपने उनसे बातचीत करना नॉर्मल रेगुलर बेस पे, अब आपने उनको गुड मॉर्निंग भेजना शुरू कर दिए। जब आप पार्टी से आए उसके बाद डेली बेस पे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या कुछ ऐसे करके, या फिर उनकी डीपी अच्छी है तो आपने उनकी डीपी की कोई तारीफ कर दी, यार डीपी बड़ी अच्छी है, इसमें तेरे बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, कोई भी चीज़ जो जेन्युइन चीज़ है तारीफ करने लायक, वो आपने उनकी तारीफ कर दी, और फिर धीरे धीरे आप उनको बिजनेस में लेकर आओगे। जल्दीबाजी नहीं करनी, अननोन प्रॉस्पेक्टिंग में कभी भी जल्दी से रिजल्ट नहीं आता, तो स्लोली स्लोली करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे हम इस चीज़ को, ठीक है? शादी में, पार्टी में, मैरिजेस में, या कोई आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करते समय आपको कोई मिल जाता है तो आप क्या कर सकते हो, आप उनसे दोस्ती कर सकते हो। कैसे दोस्ती कर सकते हो? एक डायलॉग है जो हमेशा मैं यूज़ करती हूँ, को बोलते हैं ना, कभी कभी कोई चीज़ों को, अच्छी चीज़ को लेने के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़े, मैनिपुलेट करना पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भी एक छोटी सी चीज़ बोलती हूँ हमेशा, कि जैसे मान लो मेट्रो में मेरे को कोई आंटी मिली, तो मैंने उन आंटी को देख के ना बोला, मैंने आंटी को देखा, उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने मेरे को देख के ना, मैंने उनको देख के हल्की सी स्माइल पास करी, हल्की मतलब हल्की। अब आप ज़्यादा स्माइल पास करोगे तो उनको लगे तो पागल है। तो आपने क्या करना है, बहुत सिंपल सी प्यारी सी क्यूट सी स्माइल देनी है। तो आप स्माइल दोगे तो सामने वाला क्या करेगा, आंटी क्या करेंगी, स्माइल देंगी। लेडीज़ लेडीज़ के साथ प्रॉस्पेक्टिंग करें, लेडीज़ लेडीज़ को स्माइल दे, और जेंट्स जेंट्स के साथ प्रॉस्पेक्टिंग करें, जेंट्स जेंट्स को स्माइल दे। कहीं ये ना हो जूते पड़ जाए, कोई लेडी अगर जेंट्स को करने लगी स्माइल, या जेंट्स लेडीज़ को करने लगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और एक सेफर साइड के लिए हम लेडीज़ को लेडीज़ से प्रॉस्पेक्टिंग करें जो ज़्यादा बेटर है, और जेंट्स जेंट्स के साथ करें तो ज़्यादा बेटर है। तो जैसे मैंने हल्की सी स्माइल दी किसी को, लेडी को देख कर, तो वो भी मेरे को स्माइल पास करेंगी। उसके बाद मैं बोलूँगी, मैं ऐसा बोलती, मैंने आपको कहीं देखा हुआ है, हालांकि मैंने उनको नहीं देखा होता, लेकिन तब भी मैं उनको ये बात बोल देती हूँ। अब जब मैं उनको ये बात बोलती हूँ तो वो आगे से क्या रिस्पॉन्स करती हैं, अच्छा देखा है बेटा, कहाँ देखा है, आप कहाँ रहते हो? तो मैं तो वहाँ रहती हूँ, और मैं तो बेटा 17 में रहती हूँ, नहीं देखा नहीं होगा, आपको लग रहा होगा। अच्छा अच्छा, फिर ऐसे धीरे धीरे हमने उनसे बातचीत करना शुरू कर दी। अच्छा आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ तक जा रहे हो मेट्रो में, मतलब मेट्रो में? तो आपने ऐसे करके ना बातों में से बातें निकालनी शुरू कर देनी है। और जब आपको थोड़ी बहुत बात में पता लग रहा है कि उनका किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, किसी चीज़ में उनको सीरियल्स में इंटरेस्ट है, तो आपने सीरियल की बात करनी शुरू कर दी, या फिर उनका घूमने फिरने में इंटरेस्ट है तो आपने कोई घूमने फिरने की बात उनके आगे कर दी, तो उनको आपसे बात करने में ना मज़ा आने लगेगा। और जब आपसे बात करना वो इंजॉय करेंगे, जब वो उस चीज़ को इंटरेस्टिंग लगेगी उनको आपसे बात करना, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप ही वो आपके साथ एक फ्रेंड वाले मूड में आ जाएंगे। और जब वो आपके साथ फ्रेंड वाले मूड में आएंगी तो आप बोलोगे, जैसे मैं बोलती थी, आंटी नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं, कभी हम मिलेंगे ना तो बात करेंगे, कभी वैसे मिल लेंगे, तो हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, ले ले नंबर ले ले। तो हमने क्या किया, उस समय नंबर एक्सचेंज कर लिया। और यही अगर मैं उनके इंटरेस्ट से हटा के बात सीधा मोदी केयर की करती तो वो मेरे से कट जाती, और दोबारा शायद वो मेरा ना फ़ोन नंबर तो देना दूर, और शायद मेरे से मिलती भी ना। अब मैंने दोस्ती कर ली, अब मैंने हैप्पी दिवाली कर दिया, अब मैंने हैप्पी होली कर दिया, अब उनको विश करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उनकी कोई डीपी लगी मैंने उस पर तारीफ़ कर दी, तो कुछ मतलब ऐसी चीज़ें करी, और अब वो मेरे साथ इतनी वो हो गई कि कभी मिले आंटी चाय पे, चाय पीते हैं, तो आपने क्या किया, मतलब चाय पे मैंने उनको
चाय की बात करी और उसके बाद मैंने उनके साथ जाकर डेमो और बिजनेस प्लान शेयर किया बातों बातों में, वो भी बड़े प्यार से, और जाकर सारी चीज़ हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ट्रैवल करते समय किससे बात करोगे तो उस समय पे आपको सिर्फ नंबर एक्सचेंज करना है, सारा मोदी केयर उनको उसी टाइम पे नहीं समझाना। जब हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, जब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हमें शॉर्ट रखनी है चीज़ें और हमें सिर्फ फ्रेंडशिप वाले मोड में उनको लेकर आना है। बताना चाहूँगी एक एग्जाम्पल से, एक बार मैं आ रही थी कहीं से, चंडीगढ़ से आ रही थी, कैब मैंने ले रखी थी, और जब मैं वहाँ से आ रही थी वापसी, तो वहाँ पे ना जैसे कैब थी इनोवा, तो वहाँ ना बड़े सारे लोग थे। अब ज़्यादा लोग थे तो मैं जानबूझ के ना तेज तेज बात करने लगी, अच्छा आंटी अब अगले महीने तो 1 लाख का चेक आ रहा है, पार्टी दे देना, ये वो, जानबूझ के मैं ऐसे ऐसे बोलने लगी। और सब लोग ना मेरे उनके सब उनके कान कहाँ थे, मेरी तरफ से, मतलब मैंने प्रोस्पेक्टिंग भी करी और किसी को पता भी नहीं चला। तो ऐसी प्रोस्पेक्टिंग करनी है कि लोगों के आगे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाए कि यार ये क्या बोल रही है। उसके बाद क्या हुआ ना, हम उसने जो इनोवा वाला था उसने ना मूर्थल पे रोक दी गाड़ी। अब जब गाड़ी रोकी ना, एक आंटी ना, मतलब हम उतरे, एक आंटी मेरे साथ साथ में चल रही थी, तो मेरे को बोलती बेटा क्या करते हो आप, कोई काम बिजनेस MLM टाइप या कुछ कर रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ आंटी मैं एक ना बिजनेस करती हूँ, ये वो। फिर थोड़ी देर बाद हम मतलब वॉशरूम के वहाँ पे, फिर वो मेरे को मिली, फिर हम बाहर आए तो साथ में ही चलने लगी, तो कह रही क्या नाम है बेटा आपका? मैंने कहा मेरा नाम अक्षी दत्ता है। कह रही अक्षी दत्ता है, अक्षी दत्ता तो मैं भी हूँ। अरे वाह तू तो मेरी बेटी निकली, चल आ साथ में खाते हैं। तो मैंने अपने लिए हालांकि ऑर्डर कर दिया था, लेकिन उन्होंने भी मेरे लिए सैंडविच ऑर्डर करा और मेरे को बड़े अच्छे से मेरे साथ बातचीत करी, मैंने भी बहुत अच्छे से बातचीत करी और फिर वो मेरे साथ जुड़ी भी। और क्योंकि चंडीगढ़ से दिल्ली आते हुए टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा था, तो मैंने उनको बीच में ही कैटलॉग और चीज़ों के साथ एक्सप्लेन कर दिया और वो मेरे साथ जुड़ी भी सही, और आज वो यूज़र भी है बहुत अच्छी, और कहीं ना कहीं नेटवर्क में नीचे और सामान भी दे रही है, लोगों को भी दिलवाती है। तो ऐसे करके मैंने प्रोस्पेक्टिंग करी। अब एक और मैं आपको बताना चाहूँगी, एक मेरी टीम में एक लीडर है, उन्होंने किसी को रिक्शे पे जोड़ा। कैसे जोड़ा? जब वो रिक्शे पे, मेरी जो लीडर है वो जब जा रही थी रिक्शे पे, तो उन्होंने देखा कि किसी एक लेडी के ना जिनको जोड़ा, उनके ना फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे। तो उन्होंने छूटते ही बोला कि भाभी आपके पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो कह रही हाँ यार मैं तो बड़े टाइम से परेशान हूँ, मैं तो 4-5 साल से इलाज करा रही हूँ, ये ठीक ही नहीं हो रहे। मेरा भी छोटा बेटा हुआ था ना, उसके बाद से पिंपल्स और ये झाइयाँ मेरे को बहुत ज़्यादा रहती है। तो उन्होंने कहा अगर मैं आपको एक सोल्यूशन बताऊं जिससे आपके पिंपल्स और झाइयों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़े, बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब ठीक हो जाए आपका चेहरा, तो कैसा रहेगा? तो उन्होंने बोला बताओ जी, मैं तो कब से बहुत टाइम से खुद ही परेशान हूँ। तो उन्होंने उन लेडी को वो प्रोडक्ट दिए जो हमारी कंपनी के आते हैं, बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं जो सच में पिंपल्स के ऊपर काम करते हैं, सच में पिगमेंटेशन पर काम करते हैं। और दोस्तों यकीन मानिएगा कि वो लेडी जिनके पिंपल्स थे, आज वो हमारे बिजनेस में 80,000 रुपये महीने का अर्न कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जब उनकी स्किन ठीक हुई तो उन्होंने उसको प्रमोट करना शुरू किया, और फिर जब उनको पैसे आने लगे तो उनका इंटरेस्ट बढ़ा, और आज वो 80,000 रुपये मंथली हमारे इस सिस्टम से अर्न कर रही है। कहाँ मिली थी? रिक्शे पे मिली थी, मेरे को नहीं मिली थी, मेरी टीम में, क्योंकि मैंने उनको प्रोस्पेक्टिंग बताया कि आप कहीं भी कर सकते हो, तो वो चीज़ उन्होंने फॉलो करके प्रोस्पेक्टिंग करके वहाँ से वो चीज़ निकाली। तो दोस्तों और प्रोस्पेक्टिंग हम कहाँ पे कर सकते हैं? अभी ये तो मैंने आपको बात करी कि जब हम ट्रैवल कर रहे हैं या फिर हम किसी शादी पार्टी में, तो हमने नंबर एक्सचेंज किया, या टाइम ज़्यादा है तो चलो हमने डिस्कस भी करा, बहुत ज़्यादा टाइम है अगर हमारे पास एक्सेस में, ट्रैवल कर रहे हैं, कोई लंबा टूर है तो 6-7-8 घंटे का रास्ता है, तो आप बता सकते हो उस समय। लेकिन जब शॉर्ट स्पैन है तो आपने सिर्फ दोस्ती करके नंबर एक्सचेंज करना है और धीरे धीरे उनसे बात करने की कोशिश करनी है। ध्यान रखिए दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये तो वो था कि आपने जब प्रोस्पेक्टिंग करी अननोन लोगों के साथ रिक्शे पे या वैसे मैरिज में या कहीं जाकर, लेकिन अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप जाते हो 1-on-1 प्रोस्पेक्टिंग करने बुटीक्स पे, पार्लर्स पे या फिर सैलॉन्स पे, तो आपको तब वहाँ जाके क्या करना है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करने निकलेंगे अपने घर से, तो आपको वेल ड्रेस्ड होके जाना है। जो आपके पास अच्छी वाली साड़ी है, अच्छा वाला सूट है, या फिर जो भी आपकी अच्छी वाली ड्रेस है वो आपको वेयर करके जानी है, या जेंट्स है तो अच्छे से अच्छी टी शर्ट और पैंट, अच्छे से वेल ड्रेस्ड होकर आपको जाना है। क्योंकि जब आप किसी अननोन से बात करने जाओगे, तो जब आपका मुँह खुलेगा उससे पहले आपका शक्ल और आपका जो आपने पहनावा है वो आपको लोगों को दिखाई देता है, और जब लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे आपकी पर्सनैलिटी से, तभी वो आपसे बात करना चाहेंगे। तो आपको वेल ड्रेस्ड होकर, पूरा हमारा मोदी केयर का डियो लगाकर आपको वेल ड्रेस्ड होकर जाना है, और उसके बाद आपको उनके साथ बात करनी है। क्या बात करनी है? मैं क्या कहती थी कि मैम मुझे ना आपके 10 मिनट चाहिए, मैं एक बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप चाहिए उसको मत लेना या मत करना, लेकिन मेरा आज मेरे को काम मिला है कि मुझे 5 लोगों से अपनी चीज़ को, मतलब जो मैं कर रही हूँ उस चीज़ को डिस्कस करना है, तो आप मेरे को प्लीज़ 10
मिनट दे देंगे। और मैं जाती भी उस समय थी जो दोपहर का टाइम होता था, क्योंकि दोपहर में पार्लर्स बुटीक्स में सब लोग अपना मतलब उस समय पे ज़्यादा ग्राहक नहीं होते अगर आप देखो, या फिर कोई शॉप पे जाते हैं तो दोपहर के टाइम पे लोग कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू शाम या सुबह। तो दोपहर के टाइम में गई और मैंने वहाँ लोगों से प्रोस्पेक्टिंग ऐसे करके हम पार्लर्स पे कर सकते हैं बुटीक्स पे, और जाके मैंने सिंपली मैं क्या कहती थी 10 मिनट चाहिए, और 10 मिनट में मैं उनको बहुत शॉर्ट में बहुत क्रिस्प में उनको सारी चीज़ समझा देती थी कि ये प्रोडक्ट्स है ये है, और बाद में मैं उनका नंबर लेकर आ जाती थी। और नंबर लेने के बाद दोस्तों मैं क्या करती थी उनको ना रेगुलर फॉलोअप करती थी। एक एग्जांपल बताना चाहूँगी, रजौरी गार्डन ऑफिस में हम पहले हर फ्राइडे को वीकली मीटिंग में जाते थे। तो जब मीटिंग ख़त्म हो जाती थी तो हम ना सर के साथ होते थे, मनोज सर के साथ, तो उनको जैसे थोड़ा टाइम लग रहा होता था, वो अपनी और डाउनलाइंस के साथ बिजी होते थे, तो उतनी देर में मैं क्या करती थी ना पीछे ऑफिस के पीछे एक मार्केट है वहाँ पर जाके मैं प्रोस्पेक्टिंग करने लगती थी। तो मैंने 7-8-9 जगह वहाँ पर डेमो दिखाए। एक दिन मैं गई थी मीटिंग से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी, तो मैंने कहा आज तो मैं लोगों को जोड़ के आऊँगी, अननोन के ऊपर जाके काम करती हूँ। तो मैंने 8-9 जगह पे गई, उनसे बात करी, डेमो दिखाए, कुछ ने तो साफ ही मना कर दिया, नहीं हम इंटरेस्टेड नहीं है, हमें सुनना भी नहीं है, लेकिन कुछ ने मेरी बात को सुना। उसमें से मुझे एक लेडी ऐसी मिली जो पार्लर में थी और उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से बात करी, मतलब मुझे पता लग रहा था कि इनको मेरा नेचर इतना अच्छा लग रहा है और ये फ्रेंडशिप वाले मोड में आ चुकी है। अब क्या हुआ दोस्तों कि अब जब भी मैं हर फ्राइडे को वहाँ पर मीटिंग के लिए जाया करती थी तो मैं क्या करती थी उनसे ना हाय हेलो कर लेती थी। जब पहली बार मैंने डेमो और सब चीज़ दिखाई वो मेरे साथ नहीं जुड़ी, लेकिन जब मैं हर फ्राइडे वहाँ जाने लगी तो वो मेरे से ना बड़े खुश होकर बातचीत करती थी, मुझे बिठाती थी, पानी पिलाती थी, और बहुत अच्छा उनको मेरा नेचर लगा, मुझे उनके साथ अच्छा लगा फ्रेंडशिप करने में। गप्पे मार के आ जाती थी, ये नहीं कि मैं जोड़ने जा रही थी। अब मैं जब भी, क्योंकि फ्राइडे तो जाना ही होता था, तो 10 मिनट में क्या हो रहा है अगर आप मिलाओगे किसी से, तो मैं वैसे ही हाय हेलो करने और दीदी क्या हाल है सब बढ़िया ये वो ऐसे मस्ती में मतलब मिल के आती थी। अब 7वीं या 8वीं बार की बात है जब मैं 7th-8th टाइम उनके वहाँ गई तो उन्होंने बोला अच्छा तेरे क्या क्या आते हैं वैसे प्रोडक्ट, कैटलॉग है क्या तेरे पास, दिखाइयो जरा। तो उन्होंने कैटलॉग देखी और उन्होंने वहीं के वहीं ऑर्डर कर दिया और आधार कार्ड दे दिया अपना, और उस दिन वो मेरे साथ अपने आप ही ज्वाइन हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने उनको पीछे नहीं पड़ी कि मोदी केयर, मैंने उनसे फ्रेंडशिप करी और मैं उनको बताती रहती थी दीदी बहुत अच्छा चल रहा है अभी, तो इस बार तो मेरा चेक भी अच्छा आ रहा है और मतलब काफ़ी लोग हैं यहाँ तो गाड़ियाँ मिल रही हैं अचीवमेंट, बताती रहती थी ऐसे गप्पों बातों में। ये नहीं कि मैं उनको फोर्स करती थी या प्रेशराइज करती थी, ढीला छोड़ दिया, बताते रहो और ढीला छोड़ दो और देखो वो अपने आप आपके पास आके अट्रैक्ट होंगे। बोलते हैं ना जैसे एक बिजली बम होता है, उसमें क्या करो बिजली बम में थोड़ी सी चिंगारी थोड़ी सी आग लगा के पीछे हो जाओ ऐसी थोड़ी सी और वो अपने आप फटेगा। तो वही चीज़ होती थी कि मैं बस हल्की सी चिंगारी लगा के पीछे हो जाती थी और फिर वो अपने आप ही बंदा आता था, मुझे तो भाई मोदी केयर करना है। तो ये चीज़ दोस्तों होने लगी और बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा बिज़नेस करने में। और साथ ही साथ बताना चाहूँगी जब मैं कभी लिफ्ट में ट्रैवल करती हूँ ना तो लिफ्ट में भी ज़ोर ज़ोर से बातें करना शुरू कर देती हूँ, हाँ पता है ऐसा है मोदी केयर में तो ना मतलब अब सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती जा रही है और नए नए चीज़ें भी आ रही हैं और यहाँ तो गाड़ियों की लाइन लगती जा रही है, तो वहाँ लिफ्ट में भी लोगों के कान खड़े वो भी मेरे से पूछना शुरू कर दे। एक बार पता है मैंने क्या किया, मैं अपने जब अभी मैंने 70 लाख का नया घर जो मोदी केयर से बनाया है उसके वहाँ पे ना मैंने जब शिफ्ट किया था नया, तो मेरे पास ना मेरे फ़ोन का चार्जर था आईफोन का, लेकिन तब भी मैंने क्या किया पड़ोसी की बेल बजाई और उससे बोला कि आपके पास आईफोन का चार्जर है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं बेटा आईफोन का तो नहीं है दूसरा है। अब क्या हुआ मेरी उनसे बात तो हो गई, अब उन्होंने मेरे को देख तो लिया, अब अगली बार नमस्ते आंटी कैसे हो ऐसे करके बातचीत करना स्टार्ट करी और धीरे 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 क्या हुआ कि रिलेशनशिप भी फिर बिल्ड हुआ और फिर उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन भी किया। तो ये एक तरीका होता है जिससे आप बातचीत से स्टार्ट करिए और फिर अपने बिजनेस को आप उसके अंदर लेकर आ सकते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग करने का। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो कि आपको अपने विजिटिंग कार्ड्स, मैंने अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवाए दोस्तों, जब मैकडॉनल्ड्स में खड़ी होती थी ना तो मैकडॉनल्ड्स से जब मैंने बर्गर खरीदा तो उनको भाई जो वहाँ पे खड़े होते थे छोटी सी लाइन में बोला भैया आप यहाँ पे पार्ट टाइम में जैसे काम कर मतलब आप यहाँ पे नौकरी करते हो उसके साथ अगर आपको पार्ट टाइम में पैसा आए तो कहते बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वो बोले बताओ, तो मैं उनको ना अपना कार्ड दे आती थी और उसमें क्या लिखा था अर्न एक्स्ट्रा इनकम इन पार्ट टाइम और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मेरा और मेरे पापा का रहता था। तो वो चीज़ मैंने करी, जहाँ भी मैं जाती थी ना 2 मिनट लगते हैं कार्ड बांटने में, कार्ड छपवा लो और अपने मैंने भी बहुत कार्ड छपवाए थे, 500 कार्ड छपवा लो 1000 कार्ड छपवा लो उसको बांटो सबको बांटो। अब आपको नहीं पता कि किसको भूख लग रही है, किसको आना है बिजनेस में, कौन चाहता है अपने सपनों को पूरा करना, आपको नहीं पता, बांटते जाओ। आपने 500 कार्ड बांट दिए और आपके पास 15 भी अच्छी लीड्स आ गई तो दिक्कत क्या है,
कितने रुपए में बनेंगे? 500 कार्ड बनने में 500 रुपए भी नहीं लगेंगे आपके, लेकिन अगर आपको दो तीन अच्छी लीड्स वहाँ से मिल गई तो एक फैक्ट्री का काम करेगी एक एक लीड आपके लिए, एक एक लीड। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें, और अननोन प्रोस्पेक्टिंग आप कर सकते हैं, आप स्टॉल्स लगा कर भी अननोन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। दिवाली मेला लगता है तो आप स्टॉल लगा सकते हो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेले वैसे नॉर्मल मेले लगते हैं तो स्टॉल ना लगते रहते हैं जगह जगह पे, आप स्टॉल लगा कर लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। और अगर आप कहते हो कि कौन लगाया स्टॉल, वो लेना पड़ेगा, फिर वो थोड़े बहुत स्टॉल में कभी कभी होता है ना 2-3 हज़ार रुपये भी खर्च हो रहे हैं स्टॉल लगाने के लिए, जगह चाहिए फिर सामान लाना है, तो ये नहीं हो पा रहा। तो एक और इजी तरीका ये है कि जब स्टॉल्स लगते हैं, आपने देखा है स्टॉल जब लगते हैं तो वहाँ पर बहुत से लोग स्टॉल लगा के खड़े होते हैं, कोई अचार का स्टॉल, कोई सूट का स्टॉल, कोई साड़ी का, किसी किसी अलग अलग प्रोडक्ट्स का, कुछ लोगों ने स्टॉल लगा रखे। जितने भी लोग स्टॉल पे होते हैं ना दोस्तों, सब बड़े स्किलफुल होते हैं, सबके पास बहुत अच्छी मार्केटिंग स्किल्स होती है, उनको बेचना बहुत अच्छे से आता है अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। उनके पास लिंक भी भर भर के होते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही है स्टॉल लगाने का, तो कॉन्टैक्ट्स भी उनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम उनको ही अपने बिजनेस में ले आए तो कैसा रहेगा? तो वो भी हम कर सकते हैं। जब भी हम कोई दिवाली मेला है या कोई स्टॉल्स जहाँ पर लग रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो। मान लीजिए एक लेडी है जिन्होंने अचार का स्टॉल लगा रखा है, मैं क्या करती हूँ, जैसे कोई अचार का स्टॉल है तो मैं वहाँ गई, मैंने उनसे बोला ये नींबू का अचार है, आप टेस्ट कराएंगे थोड़ा सा नींबू का अचार, उनका टेस्ट किया, अरे वाह अचार तो बहुत बढ़िया है आपका, तो कितने का है, उन्होंने बोला 200 रुपये का ये डब्बा, मैंने 200 रुपये में उनसे अचार खरीद लिया और बोला आपका ना अचार बहुत बढ़िया है, मैं आगे भी ना और लोगों को भी शेयर करूँगी ज़रूर, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा बाकी। और आपका कब से है ये काम? मैंने नॉर्मल बातें शुरू कर दी और उन्होंने मुझे बताना शुरू किया, उन्होंने मेरे से पूछा मैं क्या करती हूँ, तो बताएंगे कभी मिलेंगे बैठ के आराम से, तब कभी बात करेंगे, नंबर मिल सकता है अगर अचार चाहिए हो आगे तो नंबर मिल सकते हैं। तो अचार के बहाने में आपने क्या करा, उनसे नंबर ले लिया, ठीक है। सूट, आप किसी सूट के स्टॉल पे खड़े हो, सूट की कलेक्शन बड़ी प्यारी है भाभी, आपके पास आऊँगी मैं सूट खरीदने के लिए, आपने क्या किया नंबर ले लिया, अपना नंबर दे दिया, नंबर एक्सचेंज कर लिए, फिर आपने दोस्ती करना शुरू करी। कभी आपको सूट लेना है, आप मार्केट क्यों जा रहे हो? मार्केट में आपको सूट मिल जाएंगे, पर सूट तो आपको वहाँ भी मिल सकते हैं, लेकिन हो सकता है मार्केट वाला आपके साथ मोदी केयर बिजनेस में नहीं आ रहा, लेकिन ये जो लेडी स्टॉल सूट का लगा के खड़ी थी उनके घर में अगर सूट का बिजनेस है और आपने उनके घर जाके सूट खरीदा तो उसी में आप मोदी केयर की बातचीत भी से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है प्रोस्पेक्टिंग करने का, और उन जिनके पास आप सूट लेने गए हो उनके पास लिंक्स भी बहुत सारे हैं और वो आपके साथ बिजनेस भी कर लेंगी। 4 बार आप उनसे सूट खरीद लेना, 5वीं बार वो आपसे मोदी गेयर खरीद लेंगी, क्योंकि उनको ये लगेगा कि यार ये तो मेरी इतनी अच्छी ग्राहक बन गई है, अब मैं कैसे इसको मना करूं। तो उस चक्कर में भी कुछ लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन क्या चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप ज़रूरी होता है दोस्तों। लोग क्या करते हैं, 20-25 बंदों से बात करेंगे और फॉलोअप एक को भी नहीं करते, इसलिए वो नाकामयाब होते हैं। अननोन पे रिजल्ट आते हैं, लेट आते हैं, लेकिन आते ज़रूर है अगर ढंग से फॉलोअप किया जाए। और हमेशा याद रखिए कि जब आप 50 लोगों को प्रोस्पेक्ट करोगे, 50 लोगों से बिजनेस की बात करोगे, तो जाके आपको 10 लोग थोड़ा भाव डालेंगे, जिसमें से 6-7 लोग आपके साथ प्रोडक्ट लेना शुरू करेंगे और दो तीन लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे आपके बिज़नेस में, और बिज़नेस आपके साथ स्टार्ट करेंगे, और एक अच्छा लीडर भी आपको इस बिज़नेस से ज़रूर मिल सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमारा बिज़नेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। और आप स्कूल में, कॉलेजेस में, सब जगह जाकर प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल टेंशन मत लेना, अगर आप प्रोस्पेक्टिंग नोन करो या अननोन करो और आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर किसी चीज़ की कमी हो या ना हो, एक चीज़ की कमी बिल्कुल नहीं है, और वो है लोग। एक मना करेगा दूसरा आएगा, दूसरा मना करेगा तीसरा आएगा, तीसरा मना करेगा चौथा आएगा, और आते 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 रहेंगे। और फिर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा ना दोस्तों, तो एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मोदी केयर में कमी नहीं है, कमी है आपके अंदर, आपके बताने के तरीके में, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में। और उसको बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, अपलाइन से सीखो और अपने सिस्टम जो होता है उसके अंदर जाकर सीख सकते हो। और जब आप अपने आप को इतना स्ट्रांग और नॉलेजेबल बना लोगे तो आप अपनी बातों से सामने वालों पे हावी हो सकते हो, ना कि उनको अपने पे हावी होने दे सकते हो दोगे जब आप अच्छी नॉलेज और अच्छे स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर लोगे। तो दिक्कत मोदी केयर के प्रोडक्ट में या बिजनेस प्लान में नहीं है दोस्तों, दिक्कत हमारे अंदर होती है। मेरे अंदर भी दिक्कत थी जब मुझे स्टार्टिंग में बोलना नहीं आता था, ढंग से अपनी चीज को एक्सप्लेन करने नहीं आता था। आज मुझे आ गया है, पहले मुझे मिलती थी 10 में से 0 ज्वाइनिंग अननोन पे, आज मुझे
अननोन पे 10 में से 8 ज्वाइनिंग तो मिल ही जाती है, क्योंकि अब मेरे को वो स्किल मेरे अंदर डेवलप हो गई है। तो वो स्किल डेवलप होने में टाइम लगता है दोस्तों, मेरे को भी टाइम लगा, लेकिन कोशिश करते रहेंगे तो ज़रूर 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 आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे दोस्तों। थोड़ा सा अब आपको दिग्विजय जी भी शेयर करेंगे कि अननोन प्रोस्पेक्टिंग, इन्होंने भी बहुत बेहतरीन तरीके से अननोन प्रोस्पेक्टिंग करी है, तो थोड़ा सा अब दिग्विजय जी आपको बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अभी घर बैठे बैठे हम लोग ऑनलाइन अननोन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, वो बताना चाहूँगा कैसे। फेसबुक इंस्टाग्राम पे लाखों पेजेस हैं जहाँ पे लाखों फॉलोअर्स हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी एक अच्छी सी पोस्ट बनानी है। उसमें क्या लिखना है, उसमें मोदी के प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं मेंशन होना चाहिए, उसमें सिर्फ ये लिखा होना चाहिए कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, जहाँ से आपको फॉरेन ट्रिप्स मिल सकती हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स मिल सकती हैं, घर मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है, और बहुत अच्छा खासा फेम कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो। ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव तरीके से बना के लिखनी है आपको, और इसको उस पेज पर जाके पोस्ट कर देना है। आप पोस्ट करोगे, वहाँ से लाखों लोग देखेंगे उसे, लाखों में से हज़ारों आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, हज़ारों में से कुछ आपसे जुड़ेंगे, और उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो आपको भी लीडर बनाएंगे और ख़ुद भी लीडर बन जाएंगे। दोस्तों एक और तरीका बताना चाहूँगा ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी चाहिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम में सर्च के ऑप्शन होते हैं। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल मेरा ही लेके चल लो, दिग्विजय फ्रॉम दिल्ली। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में सर्च के ऑप्शन में जाके दिग्विजय फ्रॉम दिल्ली डालना, तो दिल्ली में जितने भी दिग्विजय हैं ना सारे आपके सामने आ जाएंगे। उनको क्या करना है, वही पोस्ट मैसेज करनी चालू कर देनी है। अभी लोग खाली बैठे हैं, कई लोगों की नौकरी जा चुके हैं, कई लोगों के बिजनेस ठप हो चुके हैं, तो वो लोग आपको 100% रिप्लाई करेंगे, फीडबैक देंगे उस पोस्ट का। आपको क्या करना है, 100 लोगों को वो मैसेज करना है डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करोगे 100 लोगों के साथ, 100 लोगों को पोस्ट मैसेज करोगे, तो 100 में से कम आपको 50 रिप्लाई करेंगे, 50 में से 10 आपके साथ जुड़ेंगे, 10 में से 5 सामान परचेज करेंगे, और 2 ज़बरदस्त लीडर निकलेंगे। दोस्तों ये आपको करनी ज़रूरी है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, अननोन प्रोस्पेक्टिंग अभी घर बैठे बैठे। और तीसरी चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने भी अननोन प्रोस्पेक्टिंग करी है। एक बार की बात है, अभी शादी के बाद की बात, अक्षय जी और मैं चंडीगढ़ जा रहे थे, स्टार्टिंग में शादी की स्टार्टिंग में चंडीगढ़ जा रहे थे। तो चंडीगढ़ जाते टाइम ओवर स्पीडिंग के चक्कर में हमारा चलान कट गया, पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी। पुलिस वाला देख रहा था गाड़ी को, तो उसने मेरे से पूछा ये गाड़ी तुम्हारी है, मैंने कहा हाँ जी गाड़ी हमारी है। तो मैंने कहा सर आरसी देखिए, आरसी पे मेरी वाइफ का नाम लिखा है, वाइफ के नाम गाड़ी है। तो जब उसने बोला ना गाड़ी तुम्हारी है, तो मेरा दिमाग एकदम काम कर गया कि भाई यही पॉइंट ऑफ टाइम है, अपना हथौड़ा मार दे भाई तू, कि इस बंदे को गाड़ी पसंद आ रही है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने उनको बताना स्टार्ट किया कि भाई ऐसे ऐसे पूरे इंडिया में 8% लोग हैं जो साल का करोड़ कमाते हैं 26-27 साल की एज में। तो अक्षय जी और मैं दोनों 26-27 साल की एज है, और आज हम साल का 1 करोड़ कमा रहे हैं, और फ्री इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, और यहाँ पे बहुत से फ़ायदे मिलते हैं, और ये गाड़ी हमने इसी बिज़नेस से निकलवाई है। तो उसका दिमाग घूम गया, पुलिस वाले ने मेरा DL लिया था, मैंने उसका आधार कार्ड ले लिया। दोस्तों मैंने उसकी ज्वाइनिंग करा दी, बहादुरगढ़ से था, बहुत आज के टाइम में बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहा है। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, जब हम चंडीगढ़ पहुँचे थे तो सेकंड फ्लोर एक घर में मीटिंग चल रही थी, अक्षय जी ऊपर चली गई थी, मैं गाड़ी पार्क करा था, एक स्विगी आया, स्विगी डिलीवरी बॉय आया था, तो उसने बोला भैया बड़ी सोनी गाड़ी है। तो मैंने देख लिया भाई सोनी गाड़ी है, लड़के को गाड़ी का शौक है, तो मैंने उससे बात करनी चालू कर दी, चल तेरे को भी गाड़ी दिलवा सकता हूँ मैं। तो ऐसे ऐसे उसको बिज़नेस के बारे में बताया, उसने बोला ठीक है भैया आप मेरे को बता दो आप कहाँ रुके हो, मैं शाम को मिलूँगा आपको। वो लड़का रात को 10 बजे आता है, फिर रात को 10 बजे हमने उसे डेमो दिखाया, बिज़नेस प्लान दिखाया, आज वो लड़का भी हमारे साथ बहुत अच्छे से बिज़नेस कर रहा है। देखिए दोस्तों एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, जो आलू की टिक्की बनाने वाला होता है ना, वो अपना ठेला लेके जगह जगह निकलता है, और वो किसी के दरवाजे पे जाके खटखटाता नहीं है, वो क्या करता है अपने आलू की टिक्की के तवे पे चाकू से खटखट खटखट खट करता है। तो दोस्तों जिसको भूख होती है, जिसको आलू की टिक्की खाने का मन होता है, वो अपने आप आ जाता है। ऐसे ही आपको हमेशा खटखट खटखट करते रहना होगा, आप जब तक खटखटाते रहोगे तब तक आपके पास लोग आते रहेंगे। जिसको भूख होगी, जिसको खाने का मन होगा, जिसको प्रोडक्ट चाहिए होंगे, वो अपने पास आपके पास अपने आप आएगा। आपको क्या करना है, आपको हमेशा खटखटाते रहना है। दोस्तों आलू की टिक्की वाला बहुत बड़ा सेल्समैन है, ऐसे ही हमें भी बहुत बड़ा सेल्समैन बनना है। और दोस्तों बताना चाहूँगा, जब आप खटखटाते रहोगे, आप बताते रहोगे कि आपके पास क्या प्रोडक्ट्स है, आपके पास बेचने के लिए क्या है, तो लोग जुड़ते रहेंगे, लोग सामान खरीदते रहेंगे, और लोग लीडर बनते रहेंगे। बाकी इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग बहुत ही अच्छी ऑडियंस थी, ऐसे ही लगे रहिए, प्रोस्पेक्टिंग करते रहिए, ऑल द बेस्ट।
और सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। फ्रेंड्स, जाते हुए मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी उन सब चीज़ों में जो मैंने आपको अननोन प्रोस्पेक्टिंग की बात बताई। अपने साथ ना अननोन प्रोस्पेक्टिंग करते समय हमेशा आपके पास डेमो किट और साथ में कनेक्ट मैगजीन रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग अभी नए होंगे जो नोन के साथ अननोन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होंगे और उनके पास अभी कोई बड़ा चेक नहीं होगा। हमारे पास तो जैसे जैगवार आ चुकी है, अभी आपके पास कोई बड़ी कार या कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी। तब तक आप क्या करें, कनेक्ट मैगजीन लीजिए और जितने भी अचीवर्स हैं हमारे मोदी केयर के अंदर उन सब के बारे में आप दिखा सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। यूट्यूब के थ्रू आप वीडियोस दिखा सकते हैं हम लोगों की, और उसके थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि जब मेरे पास भी सक्सेस नहीं थी तो मैं भी क्या करती थी, दिखाती थी उन लोगों को जो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो कनेक्ट मैगजीन को लेना अपने साथ में ना भूलें दोस्तों। और ध्यान रखिएगा कि जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारे साथ अड़चने भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन जब हम कोशिश करते रहेंगे तो हम अपने आप इस काम में परफेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, जब मैं अननोन प्रोस्पेक्टिंग करती थी मुझे भी बहुत गर्मी लगती थी, मुझे भी कभी ठंड लगती थी, मुझे भी पसीना आता था, लेकिन मैंने सारी चीज़ को छोड़ा और मैं क्योंकि अपने गोल पे फोकस थी तो मैंने अननोन प्रोस्पेक्टिंग करी। और आप कैसे अननोन प्रोस्पेक्टिंग को और बेटर कर सकते हैं, या नोन प्रोस्पेक्टिंग को या होम मीटिंग को और कैसे अच्छा कर सकते हैं, और आपको जब भी किसी के साथ प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो आपने कभी किसी को मीटिंग दिखाई पार्लर या बुटीक पे जाकर, तो वो हमेशा शॉर्ट होनी चाहिए और क्रिस्प होनी चाहिए। अगर आप किसी बंदे को बिठा कर 2 घंटे तक, आपने बोला था 10 मिनट का टाइम चाहिए आपका, 15 मिनट का, और आपने 1 घंटा लगा दिया, तो वो ये ढूंढेगा कि क्या उसके पास पड़ा है और वो दे के आपको मारे और भगाए वहाँ से। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना है। हमें शॉर्ट और क्रिस्प रखनी है अपनी चीज़, और शॉर्ट क्रिस्प रखने के साथ साथ कैसे इसको शॉर्ट रखा जाए और कैसे होम मीटिंग शॉर्ट करी जाए वो सेशन भी हम बहुत जल्दी करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट संडे को दोबारा 3 बजे हम मिल रहे हैं और एक बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे। जो हमने अभी तक सीखा है वो आपको सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और शॉर्ट रखेंगे अपने चीज़ों को तो बहुत बेटर रहेंगी। और शॉर्ट रखेंगे तो एक दिन में 5, 6, 7 मीटिंग्स भी हो सकती हैं, लेकिन अगर एक मीटिंग को आप बहुत ज़्यादा लंबा रखेंगे तो आप दिन में 2 या 3 ही मीटिंग कर पाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको कम लोगों से ज़्यादा बात नहीं करनी, हमेशा ज़्यादा लोगों से कम बात करनी है, क्योंकि जिसको समझ आना होगा उसको छोटे में भी आपकी सारी चीज़ समझ आ जाएगी, और जिसको समझ नहीं आना होगा उसको आप कितना भी समझाते रहो, कितनी भी भैंस के आगे बीन बजाओ, वो भैंस ही रहेगी। ठीक है ना दोस्तों, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और नेक्स्ट संडे दोबारा से हम मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।